100 साल बाद फौज विच फिर तो छिड़िया पग ते हैलमेट दा मसला। की सिख फौजां नूं पग दे उत्तों पाउणा पवेगा हैलमेट? पहला ते दूसरा विश्व युद्ध बिना हैलमेट तो लड़े सी सिख फौजी। लोको अज टीवी नाल जुड़े तुसीं, मैं आ हिमताज। भारतीय रक्षा मंत्रालय वालों 9 जनवरी 2023 नूं एक टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। उस दे विच प्रक्रिया विच यह कि जो सिख फौजी ने भारतीय फौज विच उन्हां नूं पग दे उत्तों हैलमेट पाउणा पवेगा। उन्होंने एक टेंडर पास किया है जिस दे विच तकरीबन 12,730 के करीब जो हैलमेट ने, जिसनू बैलिस्टिक हैलमेट आख्या जा रहा, वह बनाने लिए पैसा पास किया गया है कि जो सिख फौजी ने उन्होंने लिए खास हैलमेट बनाए जाएंगे और सिख फौजियों को पग दे उत्तों पाने पैणगे। इस तो बाद सिखां दे विच रोस छिड़ गया। जो अकाल तख्त के जथेदार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उन्होंने भी आख्या कि सिखां दी पहचान नू मिटाउण दी जो कोशिश की जा रही है भारतीय सरकार दे वल्लों, उन्होंने आख्या कि सिखां दे लई पग 5 या 7 मीटर का कपड़ा ही नहीं बल्कि यह सिर का ताज है, सिखां दी शान है। तो हुण सरकार दे वल्लों आख्या जा रहा कि पग दे उत्तों हैलमेट पाउणा पवेगा भारतीय सिख फौजियों नू, तां सिखां दे विच एक रोस देखण नू मिला है। दस दईए कि इस तों पहलां भी बड़ी वार अजिहे प्रस्ताव आए सी जद केंद्र दे विच अंग्रेज सरकार सी, जद पहला विश्व युद्ध सी। पहले विश्व युद्ध दे विच भी सिख फौजियों नू आख्या गया सी कि जो स्पैशल हैलमेट ने वह सिख पग दे उत्तों पाउण तां जो उन्हां दी सुरक्षा हो सके। पर उस समें भी सिखां दे वल्लों कोरी ना की गई सी अते जो सिख फौजी सी उह बिना हैलमेट तो सिर्फ पग बन के लड़े सी। उस समय की गल करिए 1914 के ब्रिटेन दे वल्लों जो सरकार दे वल्लों 15 लुधियानवी ब्लाटून जो सिखां दी फौज गई सी जर्मनी दे खिलाफ, उन्हां नूं आख्या गया सी कि तुसीं पग दे उत्तों हैलमेट पाओ फिर ही तुहानूं जंग विच जान दित्ता जाएगा। पर सिख फौजी उस दे बावजूद गए सी सिर्फ इकली पग बन के, ते बड़ा जोश दे नाल लड़े सी अते जंग दे विच अंग्रेजां दी सहायता कीती सी उस समय सिखां ने। ते उस तो बाद दूसरे विश्व युद्ध दे विच भी जो 1939 तो 1945 दे विच चलिया, उस समय भी सिख फौजियों नूं आख्या गया कि तुसीं अपनी जो पग है उस दे उपरों एक हैलमेट पाओ जो फौज वल्लों तुहानूं दित्ता जा रहा। पर उस समय भी सिखां ने कोरी ना कीती अते बड़े जोश दे नाल सिख लड़े सिर्फ पग बन के। तो सिखां दा उस समय भी यही कहना सी कि जो पग है सानूं गुरुआं वल्लों दित्ती गई है, असीं इस दे उपर कुछ भी नहीं पहन सकते क्योंकि इस तो उपर कुछ है ही नहीं। तो हुण फिर एक बार ये जो 100 साल तो बाद जो मसला छेड़िया जा रहा सरकार दे वल्लों सिखां दे नाल, सिखां नूं आख्या जा रहा कि जो फौजी ने उपर दी हैलमेट पाउण, उन्हां वल्लों आख्या जा रहा कि जो हैलमेट ने ये अग दे विच काम करनगे, अग नहीं लगेगी इस दे नाल, अते ये बुलेट प्रूफ भी दस्से जा रहे हैं कि जेकर इस दे उपर गोली लगती है तां तुहाडी जान बच जाएगी। अते इस दे विच एक टॉर्च अते होर भी कई फीचर ने जो सरकार वल्लों आख्या जा रहा कि इसलिए ये सिखां नूं जो पाउणे बणदे ने। पर सिखां वल्लों आख्या जा रहा कि असीं इह नहीं पावांगे। पूरे पंजाब भर दे अते पूरे दुनिया भर दे सिखां दे विच रोस जताया जा रहा है। दस दईए कि जो 12,730 हैलमेट तैयार करवाए जा रहे हैं उस दे विच 9,911 जो लार्ज साइज़ के ने, उस तो बाद 3,819 एक्सट्रा लार्ज साइज़ के ने जो पग दे उत्तों पाउणे पैंदे ने। तो हुण जे गल करिए आपां 1976 दे विच जो महाराणी एलिजाबैथ सी उन्हां दे वल्लों भी सिखां नूं छोड़ दित्ती गई सी कि जो सिख ने ब्रिटेन दे विच सिख ने उन्हां दे एक छोट मिली सी कि जो ड्राइव करदे समें उन्होंने हैलमेट की छोट सिखां नूं खास करके दित्ती सी कि वह पग दे उपरों कुछ भी ना पाउण, उन्हां छोट मिली हुई सी। पर उसते हुण गल करदे उन्हां देशों की जिन्हां देशों दे विच सिख सैनिक ने फौज है सिखां दी, उन्हां देशों की फौज दे विच सिख ने वह हैलमेट पाउंदे ने। तां कनेडा की गल करिए तां कैनेडा दे विच लाजमी है कि पग दे उपरों तुहानूं हैलमेट पाउणा पवेगा, तो उत्थों दे जो फौज है वह पाउंदी भी है। इस तों अलावा ब्रिटेन दे विच भी हुण लाजमी है कि जो सिख सैनिक ने वह अपनी पग दे उपरों हैलमेट पाउण जो स्पैशल मिलता है फौज दे विच तां उत्थे भी पाउंदे ने। अते नाल ही नाल आस्ट्रेलिया दे विच भी आख्या गया कि तुसीं अपने सिर दे उपर हैलमेट तों पहलां कोई भी कपड़ा बन सकते हो, पग बन सकते हो, तो उस तो बाद तुहानूं हैलमेट पाउणा पवेगा। तो इन्हां देशों दे विच हैलमेट पाए जाते हैं। उसनूं देखदे ही भारत सरकार ने फैसला लिया कि भारत के जो सिख फौजी ने उन्हां नूं भी हैलमेट प्रोवाइड करवाए जाण। पर सिखां दे विच रोस देखण नूं मिल रहा है, उन्होंने आखना कि सिखां दी पहचान दे खत्म करन ते उपर तुली है केंद्र सरकार, तां सिखां दे विच रोस है। अते नाल ही नाल SGPC दे वल्लों भी इस नूं गलत दस्या जा रहा कि इदा नहीं कहना चाहिए, सरकार नूं ये जो फैसला है वह वापस लेना चाहिए। होर खबरां देखते रहो लोकवास TV। धन्यवाद।